शहर के डिंगापुर इलाके में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसमें फड़िया समाज के शमशान घाट से अवैध रेत का उत्खनन से नरकंकाल के अवशेष बाहर आ रहे हैं। समाज के विरोध के बाद मौके पर पहुंचे खनिज विभाग के अधिकारियों ने उत्खनन रुकवाकर ट्रैक्टर जब्त कर लिया। इस मामले में कहा जा रहा है कि एसपी बंगले में जरूरी निर्माण कार्य के लिए रेत लाई जा रही है। लॉकडाउन में जिले के सभी रेत घाट बंद हैं, इसके बाद भी रेत तस्कर रात के अंधेरे में रेत की चोरी कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन काले कारोबार के बीच अवैध उत्खनन मामले में पुलिस अधीक्षक कोरबा के नाम का उपयोग किया जा रहा है। मना करत करत थक गए हैं हम आदमी मान ला, पर साल भी थाना में भी जा रहे हैं मना करे, हर साल मना करत हम, तब परेशानी हो तो देखा तो कुछ कितना गड्ढा कर दी, नहीं ये थोड़ा सा इसका हल्का फनाइल तब तो मना कर देखा था, लेकिन मानत नहीं माना। हाँ यह पूरा मरकटी हमारे खड़िया समाज के, हमारे खड़िया समाज के पूरा कबर स्थान बना आज और ट्रैक्टर ना देखे हम तो फिर आए हम सब डौकी डौकी में। हाँ पुलिस वाला की कहा सिविल रिलेशन जहाँ पर थाने वहीं काम कर रहे हैं, कहाँ इसके ऑफिस में काम चला थी। हाँ नहीं तो कोई पुलिस क्या कहाँ काम करते बोल रहे, अगला भी आदत बोलते मैं पुलिस विभाग का हूँ बोले। अच्छा क्या साहब मंगाए बोले क्या साहब ने, हम लोग आए मेरा ट्रैक्टर ऐसा बोले थे और अभी थोड़ा वही कर रहे थे। उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर अवैध रूप से शमशान घाट को रेत अब्लिक मिट्टी मिक्स है उसको खनन करके परिवहन किया जा रहा है, तो हम अभी इनके ऊपर लॉकडाउन के बाद कार्रवाई करेंगे और इनमें जितने अवैध रूप से संचालित इन भट्टे हैं जो यहाँ से मिट्टी लेके जा रहे हैं उनके कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई भी किए हम लोग।